ఇదే విషయంపై అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు ఇప్పుడు లైవ్ చూద్దాం आज भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में हुआ और अंत में राष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के रूप में आज श्री रामनाथ कोविंद गवर्नर बिहार का नाम तय किया गया है और मैं रामनाथ जी का परिचय भी आपको देना चाहूंगा। रामनाथ जी हमारे बहुत पुराने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, अभी वो गवर्नर बिहार हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिला के परोख गांव के मूल निवासी है। दलित समाज से संघर्ष कर अपनी राजनीतिक करियर में इतने ऊंचे मकाम तक अब तक पहुंचे हैं। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह एक अच्छे प्रैक्टिशनर के नाते उन्होंने वकालत भी की है। भारत सरकार के भी वो वकील रहे। 12 साल तक रामनाथ जी राज्यसभा में भी रहे। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा के वो अध्यक्ष रहे, यूपी के भी महासचिव रहे। अनेक पार्टी के पदों पर उन्होंने काम किया है। संसद की अनेक समितियों में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए, के लिए, दलित और दबे कुचलों के लिए हमेशा वो संघर्ष करते रहे हैं। रामनाथ जी के भारतीय जनता पार्टी में अनेक प्रकार के पद पर जिम्मेदारी का निर्वहन करते करते आज वो लगभग 3 साल से बिहार राज्य के गवर्नर के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। और रामनाथ जी हमेशा से गरीब समाज के साथ, देश के गरीबों के साथ, पिछड़ों और दलितों के साथ जुड़े रहे हैं। एक गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर दलित परिवार के बैकग्राउंड के साथ इतने ऊंचे मकाम पर रामनाथ जी सार्वजनिक जीवन पर पहुंचे हैं। और हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है। तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से बात की है, वरिष्ठ नेताओं से बात की है और सबको ये नाम हमने आज इन्फॉर्म किया है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए आशा करते हैं कि दलित समाज से संघर्ष कर गरीब के घर में जन्म लेकर संघर्ष कर सार्वजनिक जीवन में उतने ऊंचे मकाम पर पहुंचने वाले रामनाथ जी सर्वसहमत प्रत्याशी होंगे, इसलिए हम सब लोग आशा करते हैं। अभी तो हमने इन्फॉर्म किया है, वो अपनी पार्टी के साथ चर्चा कर आगे बताएंगे। नामांकन की तिथि तो रामनाथ जी से चर्चा कर तय करेंगे, मगर बड़ी बड़ी जो अभी सोच बनी है 23 तारीख को नामांकन होने की संभावना है।